Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to adjusting entries, prepare year-ended adjusting entry for each of the following. ये adjusting entries हैं, आज हम इसकी adjusting entries करेंगे. So let's start. First हमारी adjusting entry है जो हमें अपने account में adjust करनी है. Office supplies has been balance of ₹336 on January. Purchased debited to office supplies during the year amount of ₹1,660. Year end inventory reveals supplies of 1,140 on hand. Chase debited of office supplies during the year 160. पूरे ईयर में हमने 1,660 के ऑफिस सप्लाईज अपना इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करा था, उसमें से 1,140 के ऑफिस सप्लाईज हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे एंड ऑफ द ईयर हमारे हैंड में बचे हैं और उसको हम अपना बैलेंस जो ऑफिस सप्लाईज हैज़ बीन बैलेंस है उसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल इस तरह 856 और हम इसको इसके एडजस्टिंग एंट्री में इस तरह पुट करेंगे पर्टिकुलर का एंड डेबिट एंड क्रेडिट का. एडजस्टिंग एंट्री हमेशा ईयर एंड पे बनती हैं तो हम अपने यहाँ लिखेंगे डेट डालेंगे 31 दिसंबर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस. एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा हमेशा. एक्सपेंस हमारा कितना डेबिट होगा जो हमने अपना आंसर में कैलकुलेट किया था 856 से हम अपना 856 और क्रेडिट भी हम ऑफिस सप्लाईज करेंगे. ऑफिस सप्लाई 856 और यहाँ इसकी नरेशन लिखेंगे. नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाई कंज्यूम. सो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री है. डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इज एस्टिमेट टू बी 2,134 फॉर आ ईयर. डेप्रिसिएशन हमने ऑफिस इक्विपमेंट पे लगानी है. डेप्रिसिएशन 2,130 की है तो इसकी एंट्री नोट करते हैं. सो सेकंड एंट्री के लिए भी हम अपनी ईयर एंडिंग डेट डालेंगे जो कि 31 दिसंबर की है क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री हमेशा ईयर एंड पे बनती है और फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन. सेकंड एंट्री के लिए हमने 31 दिसंबर की डेट डाली. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये क्योंकि हमेशा हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होती है. उसके बाद हम लिखेंगे अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से हमारा डेबिट होगा. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी डेबिट होगा जो कि हमारा लास्ट एंट्री में इस तरह दिया गया था. देखिए आपको बताया 2,130 फॉर द ईयर तो डेबिट हम करेंगे 2,130 से और क्रेडिट भी 2,130 से करेंगे और नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर अ ईयर. थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं. थर्ड एंट्री में क्या लिखा है. प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑफ 6 मंथ एस्टिमेट एट रुपीज़ 1,800 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड. यानी हमने ये पहले ही पे कर दिया है बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा प्रॉपर्टी टैक्स में जो हमने पे किए थे 6 मंथ के लिए. टोटल अमाउंट हमारे 1,800 जो कि हमें रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए भी हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे. तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे हम 31 दिसंबर टैक्स एक्सपेंस करेंगे 1,800 से डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे हम प्रॉपर्टी टैक्स पेबल 1,800 से हमने इसे क्रेडिट करा है और नरेशन पास करेंगे टू प्रॉपर्टी एक्रूड. ये एक्रूट है जो कि अभी तक हमने पे नहीं करा और पे करके हमने रिकॉर्ड नहीं करा बल्कि एंडिंग पे 31 दिसंबर. फोर्थ एडजस्टिंग एंट्री है. एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम ऑफ यूएसए गवर्नमेंट बोन इज ₹850.
ये हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ था। इंटरेस्ट पे हमारी इनकम है जो कि हमारा एक बोन था 8500, वो हमने रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड है, तो अब हम इसको एयर एंड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये वो एंट्रीज होती हैं जो आपने अपने ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी एंट्रीज। फोर्थ एंट्री भी हम बनाएंगे, 31st की डेट डालेंगे पहले, 31st दिसंबर, और लिखेंगे इंटरेस्ट था वो हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने से हमने रिसीव किया था, 850 से, और ये हमारा रेवेन्यू भी है तो हम इसे क्रेडिट पे अपने रेवेन्यू नोट करेंगे। इंटरेस्ट रेवेन्यू 850 से हमने इसको क्रेडिट साइड पे नोट किया, वैसे डेबिट साइड पे नोट किया, और इसकी नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू हमने इसकी नरेशन पास कर दी। अब हम अपनी कितनी एंट्री हो गई, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम अपनी फिफ्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास दी गई है, अनअर्न रेवेन्यू हैज अ बैलेंस 1800 सर्विस फॉर ₹750 इन एडवांस हैव नाउ बीन परफॉर्म्ड, यानी हमने अनअर्न एडवांस में हमने 7050 रुपीज़ एडवांस ले ली है, 750 रुपीज़ हमने एडवांस ले ली है, बैलेंस है वो 1800 है, तो इसकी हम अपनी एडवांस रेवेन्यू रिसीवेबल जो हमने पहले ही रिसीव कर लिया बट अभी तक हमने उसकी सर्विस नहीं दी, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं फिफ्थ एंट्री में। एडजस्टिंग एंट्री नंबर फिफ्थ रिकॉर्ड करेंगे, 31st दिसंबर की डेट डालेंगे, जो हमने रेवेन्यू रिसीव करा है वो एडवांस में रिसीव किया है, हमने उसकी सर्विस नहीं दी, तो हम लिखेंगे अनअर्न रेवेन्यू, ये रेवेन्यू हमने एडवांस में रिसीव करा है जबकि हमने इसकी सर्विस नहीं दी, इसलिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, 750 रुपीज़ से डेबिट करा है, 750 रुपीज़ से अपना अनअर्न रेवेन्यू, और जबकि हम क्रेडिट पे लेंगे हमें सर्विस रेवेन्यू दिया, रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू हमने दिया है, और हम इसे यहाँ नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सर्विस रेवेन्यू अर्न इन एडवांस, क्योंकि हमने एडवांस में ले लिया, अभी तक हमने इसकी अपनी सर्विस पे नहीं की। ये हमारी 5 एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, 6 एंट्री की तरफ चलते हैं। सर्विस टोलिंग ₹800 हैव बीन परफॉर्म, द कस्टमर हैज नॉट येट बीन बिल्ड, ये हमने अपनी सर्विस दे दी है बट कस्टमर ने अभी तक हमें पे नहीं करा है, तो ये एक्रूड की एंट्री है। 800 से हमने अपनी सर्विस टोलिंग दी है, तो हम इसमें भी अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज नंबर 6 में नोट करेंगे। लास्ट एंट्री करते हैं, लास्ट एंट्री इस तरह करेंगे, लिखेंगे 31st दिसंबर, 31st दिसंबर को हमें अकाउंट रिसीवेबल है, यानी हमने अपनी सर्विस दे दी है बट कस्टमर ने अभी तक हमें उसे पे नहीं करा, तो ये रिसीवेबल की एंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल। एंड डेबिट हमें कितने हैं, डेबिट हमें करना है, अगेन चेक कर लेते हैं, 800 सर्विस टोलिंग के चार्जेस हैं, कस्टमर हैड नॉट पेड, 800 हमारा अकाउंट रिसीवेबल है जो कि हमने डेबिट करा है, और सर्विस रेवेन्यू से रेवेन्यू ये भी हम 800 से क्रेडिट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड सर्विस रेवेन्यू इन एक्रूड, ये कंप्लीट कर लिए हैं। ये थी हमारी एंट्रीज जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक, आई होप यू लाइक इट, एंट्रीज जो कि हमने इस तरह रिकॉर्ड की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इसी तरह आपको अकाउंटिंग की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अकाउंट्स की रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।